तो दोस्तों मशीन मैडम जी को बाहर नहीं निकलने दे रही है। मशीन बोल रही है आप दिल्ली में ही रहो, गांव नहीं जाओ। ये देखिए बार बार बंद हो रही, बार बार ओपन हो जाती है। और ये देखिए दोस्तों हमारे घर के सामने का रास्ता, आपको देखकर रोना आ जाएगा। और बताओ कैसे हम यहाँ से निकलें, पर कोई सुनवाई होने को तैयार नहीं है हमारी। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और हम चल रही हैं आज फिलहाल में गाँव वापस दिल्ली से, दिल्ली को बाय बाय कहते हुए। और हमारे कुंजी भाई साहब आ गया कि उछल उछल के जा रहे हैं। देखिए गाइज, ये है द्वारका मेट्रो स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और लोग भाग भाग के अपनी ट्रेन पकड़ रहे हैं। यहाँ तो आती जाती रहती है ट्रेन, पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, कोई काम होगा इस वजह से भाग रहे हैं। तो चलिए गाइज, फिलहाल में हम ले आते हैं टोकन। टोकन हमें इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मेट्रो कार्ड नहीं है। और जहाँ से टोकन रिसीव करना है वो टोकन वाला काउंटर बंद हो चुका है, हमें वेंडिंग मशीन से ही टोकन निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं वेंडिंग मशीन से टोकन निकालने की। और ये वेंडिंग मशीन एक दो तीन चार कई सारी लगी हुई हैं। और पंजी भाई से हमारे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, देखो क्या जंप लगा रहा है, मज़े बच्चों के आते हैं भाई साहब। इन्हें कोई सर दर्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मतलब फाइनली दोस्तों हमें टोकन मिल चुके हैं, और हमने दो टोकन ले लिए, एक मैडम जी का एक अपना। और हम अपना लगेज इसमें स्कैन कराते हैं, ये हमारे बैग अंदर जा चुके हैं। और यहाँ से हम टोकन टच करेंगे और निकल जाएंगे उधर को। कुंजी को पहले आगे ले लेते, कुंजी इधर आगे आगे आ जल्दी से। हमारे कुंजी भाई साहब आ गए आगे, पहले कुंजी भाई साहब ने कहा अबे तेरी अटक गई है। तो कुंजी को बड़ी हंसी आ रही है, मैं अटक गया। और भाई साहब फाइनली ये देखिए हमारी मैडम जी अटक रही हैं बार बार, और जैसे ही आगे को आती हैं ऐसे बंद हो जाता है गेट, और वैसे ओपन हो जाता है। अब ओपन हो गया और आगे को आएगी तुरंत बंद। गेट कह रहा है मैडम जी से कि आप दिल्ली में ही रहें, आप गाँव नहीं जाएँ। चलो फाइनली मैडम जी निकल चुकी हैं, अब हम चढ़ गए हैं स्वचालित सीढ़ियों पर। भाई साहब ये स्वचालित सीढ़ियां हैं, अपने आप चलती हैं, हमें कहीं नहीं चलना, बस इनके ऊपर खड़े हो जाना है और ये सीधे हमें पहुंचा देती हैं ऊपर, और ऊपर से सीधा नीचे। कुंजी भाई साहब मज़े लेते हुए, मैडम जी देखो खड़ी हैं। और इसका व्यू देखिए पीछे से हम किस इस प्रकार है, देखिए काफ़ी ऊंचाई है। और एक खूबसूरत सा द्वारका मेट्रो स्टेशन, हम भी आ चुके हैं, 140 सीढ़ियों को छोड़ दिया है हमने, और फिलहाल में हम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। और हमारी मेट्रो भी आ चुकी है, कुंजी काफ़ी खुश हो रहा है मेट्रो को देख करके, पहली बार नहीं देखी है, काफ़ी बार देख चुकी है। ये कुंजी का जन्म ही दिल्ली के अंदर ही हुआ था, काफ़ी घूमा मेट्रो में। और ये मेट्रो हमारी फिलहाल में इसका गेट ओपन होने वाला है, ये देखिए। और हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं मेट्रो के अंदर, ये देखो हम तीनों लोग आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या बात है, ठंडा ठंडा लग रहा है भाई साहब, गर्मियों में भी कूल कूल। तो दोस्तों मेट्रो फिलहाल में चल रही है, देखिए ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एरोप्लेन उड़ने वाला, टेक ऑफ करने वाला हो भाई साहब। ऐसे एरोप्लेन में से दृश्य दिखता है, ऐसे मेट्रो में से दृश्य दिख रहा है। तो देखिए काफ़ी स्पीड पकड़ दी मेट्रो, काफ़ी जल्दी काफ़ी स्पीड पकड़ लेती है, 10-15 सेकंड में ही 60-70 की स्पीड। हैं नोएडा सिटी सेंटर, यहाँ से पकड़ेंगे हम बस, है कुंजी बस पकड़ेंगे ना हम यहाँ से। बारिश भी आ गई है, मस्त जबरदस्त। तो गाइस फाइनली हम बस स्टैंड पर आ चुके हैं और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, हमारे पीछे बस स्टैंड है। तो दोस्तों फाइनली हम बैठ चुके हैं रोडवेज बस के अंदर, सरकारी बस जिसे बोलते हैं, उसमें हम बैठ चुके हैं नोएडा सिटी सेंटर से और जेवर के लिए, नोएडा सिटी सेंटर टू जेवर। और कुंजी भाई साहब और उनकी मम्मी खा रहे हैं चॉकलेट और बिस्किट और चिप्स। ये देखिए छोटा सा बस स्टैंड है, छोटा सा नहीं, पीछे की तरफ काफ़ी लंबा है। अभी हमारी बस में कुछ इस प्रकार से सवारी है, अभी कम है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो फाइनली देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी है नोएडा में, और देखिए भाई साहब काफ़ी खूबसूरत शहर है नोएडा, कहीं कहीं गंदा भी शहर है लेकिन कहीं कहीं बहुत खूबसूरत है।
तो फिलहाल में ही देखिए मैडम जी चिप्स का आनंद लेती हुई और हमारी बस चल रही है। देखिए बाहर का कितना सुंदर दृश्य है भाई साहब। बारिश में जब पेड़ पौधे होते हैं ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल न्यूली पेड़ पौधे लगा दिए हों। हमारी बस काफ़ी स्पीड में चलती हुई और दनादन से जा रही है, दन दनादन चलने में लगी हुई है। और दोस्तों फाइनली हम नोएडा टू जेवर आ चुके थे रोडवेज बस से, और जेवर से हम बैठ चुके हैं प्राइवेट व्हीकल में, प्राइवेट बस में, और मज़े से बैठे हैं हमारे कुंजी भाई साहब। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं घर पर और देखिए रास्ता हमारे घर के सामने का क्या मस्त हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। तो भाई साहब हमारे घर के सामने का रास्ता कुछ इस प्रकार है इस समय बारिश के सीज़न में कि बस आपको देखने में धुन आ जाएगा, क्योंकि भाई साहब निकलने का कोई विकल्प ही नहीं है। हम निकले तो निकले कहाँ हो गए, एक बाउंड्री है उसके ऊपर से हम निकल रहे हैं और पता नहीं कब कौन सी ब्रिक्स ईंट हमारे पैरों के नीचे से स्लिप हो जाए और हम धड़ाम से या तो लेफ्ट करेंगे या राइट करेंगे, किधर भी गिरें गिरना कीचड़ में ही है। देखिए भाई साहब हम कदम संभाल कर रख रहे हैं क्योंकि ईंटें यहाँ से फिसल रही हैं। भाई साहब सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही, कई बार कोशिश करी हमने तो देखो हमारे कुंजी भाई साहब अटक गए यहाँ पर जाके और मैडम जी ने जंप करा दी। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं घर।